अच्छे से फूलने लगे हैं। या हम 5 मिनट तक इसको हम पकाएंगे इसी में और फिर दिखाते हैं, ढक्कन लगा के पकाते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सवेरे सवेरे आप लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे चैनल में। आप लोगों को कैसे हो आप लोग, ठीक ठाक होंगे? सवेरे सवेरे सभी उठ ही गए होंगे, सवेरे का नाश्ता पानी ड्यूटी जाते हैं जो उन लोगों के लिए। अब आज सवेरे का कार्यक्रम शुरू हो गया मेरा, वो अभी करेले की सब्जी काटी है मैंने, आटा गूंथ दिया। अब जो ये नहीं खाता है इसमें मैंने अजवाइन और नमक डाल दिया, तो चाय के साथ पराठा खा लेंगे। जिसको नहीं खाना होगा तो हम तो अपने लिए करेले की सब्जी बना रहे हैं, मेरे को तो बहुत टेस्टी लगता है। उसके लिए मैंने प्याज काटा, एक प्याज है, 2-3 हरा मिर्ची काट दिया और ये अमचूर पाउडर है और थोड़ा 2 चम्मच चावल का आटा डाल दिया और नमक। नमक तो मेरा पहले से भी पड़ा था, इसको मैंने अच्छी तरह से पहले नमक डाल के सारा पानी निकाल दिया था निचोड़ के, और इसमें मिर्चा डाल दिया और मसाले। ये धनिया पाउडर, अब इसको हम अच्छी तरह से गूंथ लेंगे। तो इसके बाद हम तेल में फ्राई करेंगे और चावल का आटा मतलब थोड़ा क्रिस्पी हो जाता है। और आपको पहले ये वाला दिखा ही रखा है और अमचूर पाउडर जो भी वैसे तो निकल जाता है कड़वापन, थोड़ा बहुत जो रहता है खटाई के लिए तो खटाई से उसका कड़वापन मर जाता है, तो बहुत टेस्टी लगता है मेरे को तो। ये तेल गर्म हो गया हमारा, तो थोड़ा जीरा डाल देंगे और जो ये बना रखा है अच्छे से सब चीज़ मिक्स करके आराम से 10 मिनट में करेले की सब्जी बहुत अच्छी बन जाती है। मैं इसको ऐसे फ्राई कर दिया, थोड़ी देर तक ढक्कन लगा के बन जाती है अच्छी खासी। दोस्तों मेरा नाश्ता बन गया, सब्जी भी बन गई। देखो इसका कलर कितना सुंदर आ रहा है, अब खाने में भी इतना ही सुंदर होता है। पता नहीं मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ, आप लोग कैसे बनाती हूँ? सभी अपने तरीके से बनाते हैं, सभी का अलग अलग तरीका होता है। सवेरे उठ के बस सब काम हो, अभी नाश्ता का हो गया मेरा, अब और काम बचे हैं, अब सारे काम ही बचे हैं जाके अब काम करती हूँ। नाश्ता पानी हो गया मेरा, अब दिन भर तो काम लगा ही रहता है, तो उसके साथ मैं वीडियो वीडियो बनाते रहती हूँ। देखो एक साथ एक हाथ में मोबाइल पकड़ के एक हाथ से खाना बनाती हूँ। देखो दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं रसगुल्ला, उसके लिए 1 किलो दूध ले लिया मैंने, बनाती हूँ कैसा होता है। ये बॉईल करके मैंने इसको ठंडा कर दिया, अब मेरे थोड़ा सा विनेगर लेंगे और इसमें हम थोड़ा पानी ऐड करेंगे। इसको दोस्तों ये दूध फट गया हमारा, एक ग्रीन ग्रीन पानी है दिख रहा है ना,
अभी हम इसको कॉटन में का कपड़ा है ना ये, इसमें छान लेंगे। अब जो विनेगर का खट्टा है ना, उसको हम अच्छी तरह से धो लेंगे इसको। दो तीन पानी से अच्छी तरह धो के इसका खट्टापन हमने निकाल लिया, अच्छी तरह कॉटन के कपड़े में निचोड़ लिया। ये मेरा खोया अच्छे से सूख गया है, सूख के बना लिया। इसको हमने अच्छे से मसल लिया, खूब अच्छे से 5 मिनट तक इसको मसल के बना दिया। तो उसके बाद हम एक चम्मच मैदा डालते हैं ताकि इसका बाइंडिंग अच्छे से बन जाए। देखो कैसे मिठाई बन रही है। ये पानी उबलने लगा, इसमें 1 कटोरी चीनी में मैंने 3 कटोरी पानी डाल रखी है। अब इसमें हम 2-3 इलायची कूट के डाल देंगे। और इसके इतने बॉल बन गए हैं, अब इसको हम एक एक करके इसमें डालेंगे। थोड़ा उबलने के बाद अच्छे से फूलने लगे हैं। ये हम 5 मिनट तक इसको हम पकाएंगे इसी में, और फिर दिखाते हैं, ढक्कन लगा के पकाते हैं।